अभी मैं वीडियो बनाने जा ही रहा था कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया और मैंने ट्विटर भी खोल के देखा एंड आई फाउंड आउट कि के इज नो मोर। लाइक वो परफॉर्म कर रहे थे कहीं पे वेस्ट बंगाल में और उसी टाइम उनको कार्डियक अरेस्ट आया एंड ही इज नो मोर विथ अस। सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मैंने के के लिमिटेड ट्रैक्स ही सुने हैं, लाइक मैंने ज़्यादा ट्रैक सुने नहीं है क्योंकि बचपन से मैं हिप हॉप गाने ही सुन रहा हूँ, रैप ही सुन रहा हूँ। पर जितने मैंने ट्रैक सुने हैं मुझे पता है ही वॉज वेरी टैलेंटेड एंड लाइक वेरी गुड सिंगर। लाइक जब भी बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स का नाम लिया जाएगा कभी भी, लाइक इन बॉलीवुड हिस्ट्री आई थिंक के का नाम उसमें होगा। सो अगेन अ वेरी सैड डे फॉर म्यूजिक लवर्स, फॉर हिंदी म्यूजिक और हम ओवरऑल म्यूजिक की बात कर ले। सो वीडियो में वापस आ जाते हैं। सो करेंटली DHH भी बहुत ज़्यादा शांत है, लाइक हमें ज़्यादा कॉन्टेंट देखने को नहीं मिल रहा है, गाने नहीं आ रहे हैं, लोगों ने गाने अपने लाइक आर्टिस्ट ने गाने अपने रोक दिए हैं। और मैं भी सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं, मैं भी कंफ्यूज था। पर लाइक मैंने एक साल से अभी मैंने ट्राई किया था कि मैं लाइक 365 डेज हर दिन वीडियो डालूंगा, तो अगर मैं अब वीडियो नहीं बनाता हूं तो मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। सो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, पर मैंने जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही सेलेक्टिव है। लाइक मैं कुछ भी रैंडम टॉपिक पर भी नहीं बना सकता हूं वीडियो, बिकॉज वो ऐसा सिचुएशन ही नहीं है, वैसा सिनारियो ही नहीं है। सो आज हम देखने वाले हैं बेस्ट सैड रैप सॉन्ग या फिर इमोशनल रैप सॉन्ग ऑफ DHH। इसमें मैं कुछ पुराने गाने ही फीचर करने वाला हूँ जिसे मैं पहले सुना करता था, कुछ बहुत ही रीसेंट ट्रैक देखने को मिलेंगे जो इसी मंथ रिलीज हुए हैं और कुछ थोड़े बीच के ट्रैक भी है, लाइक 2018-19-20 में आए हैं। सो ओवरऑल लाइक तुम अपने प्लेलिस्ट को अपडेट कर सकते हो इस लिस्ट के हेल्प से। सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और ये जो लिस्ट है वो मेरे हिसाब से है, लाइक मैंने अपने हिसाब से लिस्ट बनाया, बहुत सारे ट्रैक्स हैं तो मैंने 10 से 11 ट्रैक ही डाला है, तो लाइक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। सो आई होप कि ये लिस्ट हेल्पफुल हो और तुम्हें जो गाने अच्छे लगे तो अपने प्लेलिस्ट में ऐड करो और उसे सुनो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स नाउ चेक सॉन्ग ऑफ द डे। दिल में था चोट और कंधों पे बहुत ज्यादा लोड, जज्बातों को लाया नहीं बिजनेस के बीच, मुझे बस गिनना था नोट। ये फेक यॉर्क ये फेक स्पिनर लाला होंगे नहीं हम कभी बोल्ड, मैंने बोला अपने सारे यंग बंदों को यंग लाला लेट्स रोल या। दिल में था चोट। गाने का नाम है बिजनेस, आर्टिस्ट है रेमोस जी विल और फीचर है रॉकी ग्लॉक का। सो भाई लोगों ने बहुत सही काम किया है, बहुत प्यारा ट्रैक बनाया है, ट्रैक की म्यूजिक वीडियो अच्छी है, लिरिक्स बहुत अच्छी है, ओवरऑल काम बहुत अच्छा है। एंड अगेन एक ऐसा ट्रैक है जिसे तुम अपने प्लेलिस्ट में ऐड करके रेगुलर सुन सकते हो। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक पे क्लिक करना और भाई के गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई लोगों को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई लोग बहुत सही काम कर रहे हैं, जाओ भाई लोगों को सपोर्ट करो। Okay, let's now come back to the video and let's check some of the best sad या फिर इमोशनल रैप सॉन्ग इन हिप हॉप। एंड अगेन बता देता हूँ ये लिस्ट मेरे हिसाब से होने वाली है और मेरी करंट फेवरेट सॉन्ग सैड रैप सॉन्ग तुम्हें इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। ओके लेट्स चेक द फर्स्ट ट्रैक और इस गाने का नाम है फील मी और आर्टिस्ट है MC Insane। भाई बोला आएगा वो मेरे शो पे, भाई मेरा चल बसा पहले ही शो से, भाई ने अपनी छाप छोड़ी भाई। सो मैंने MC Insane को इसी गाने के थ्रू डिस्कवर किया था और जब मैंने ये गाना सुना था मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रेश साउंड लगा, बहुत ही न्यू स्कूल साउंड लगा। और मुझे मैंने जब ये गाना सुना तो मुझे सुन के ऐसा लगा कि ये साउंड और इस टाइप की वाइब लाइक इसके पहले मैंने DHH में नहीं सुना था। सो लिरिक्स भी बहुत अच्छी है, इस गाने की बीट बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छी है। सो डेफिनेटली अगर तुम लाइक उस जोन के गाने सुनते हो या फिर तुम अगर उस जोन में हो जब तुम्हें इस टाइप के गाने सुनने का मन करता है, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। बहुत बढ़िया ट्रैक है, बहुत सही काम है एंड सो डेफिनेटली यस यू शुड चेक इट आउट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक और इस गाने का नाम है कहां पर है एंड आर्टिस्ट इज MC Stan। आई थिंक ये MC Stan के उन ट्रैक्स में से एक है जिसे मैंने सबसे ज्यादा बार अभी तक लूप में प्ले किया है। गाने की वाइब बहुत अच्छी है, गाने का जो लिरिक्स है और जिस तरीके से MC Stan ने स्पिट किया है वो बहुत ज्यादा कैची है और तुम मे भी अगर तुम ये गाना सुनोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में रह जाता है, तुम उसे बार बार गाओगे। लिरिक्स बहुत अच्छी है और थोड़ी इमोशन है, थोड़ा सैड टच है इसमें। सो अगेन अगर तुम इस टाइप के गाने पसंद करते हो या फिर इस जोन में हो, तुम्हें इस टाइप के गाने सुनने हैं, इमोशनल सैड सॉन्ग सुनना है, दिस इज द सॉन्ग डेफिनेटली जो तुम्हारे प्लेलिस्ट में होना चाहिए। सो डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट या फिर अभी तक तो सुन ही लिया होगा, सो डेफिनेटली यू शुड ऐड दिस ट्रैक इन योर प्लेलिस्ट। ओके लेट्स चेक द नेक्स्ट ट्रैक एंड दिस इज अ वेरी रीसेंट ट्रैक और ये इसी मंथ रिलीज हुआ है। दिस ट्रैक इज बाय एमवे वनटाई और गाने का नाम है पेन। I'm going through pain. They really don't know what I'm going through. They really
सो एमयू बंटाई का जो 8 साल एल्बम अभी रिसेंटली आया है उसमें जितने भी न्यू स्कूल गाने थे, फॉर एग्जांपल ये ट्रैक हो गया, लाइफ इज गुड हो गया और एक दो गाने थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और अगर हम स्पेशली इस ट्रैक की बात करें, इस ट्रैक की लिरिक्स बहुत अच्छी है, इस ट्रैक का हुक जो है वो बहुत ज़्यादा कैची है, बहुत ज़्यादा वाइबी है, यूनिक है। लाइक अगर तुम एक बार सुनोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, जैसे मैंने अभी एमसी स्टैन के बारे में बोला था और एमसी इनसेन के बारे में बोला था, सेम गोज टू दिस ट्रैक एज वेल। और बहुत बढ़िया ट्रैक है, ट्रैक में थोड़ी अगेन इमोशनल वाइब है, सैड वाइब है, लाइक इसमें जितने भी गाने हैं उन सब में वो है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में ऐड किया है, ठीक है। सो अगर नहीं चेक किया ये गाना जरूर चेक करना, और अगर चेक कर लिया है तो भाई प्लेलिस्ट में ऐड करो, बजाओ, डेफिनेटली अ गुड ट्रैक। और अगर तुम इस जोन के गाने सुनते हो तुम्हारे प्लेलिस्ट में जरूर ये गाना होना चाहिए। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक, एंड दिस ट्रैक इज ओजी बाय कृष्णा। So, जब ये गाना कृष्णा ने अनाउंस किया था मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि हमें कृष्णा के साइड से कुछ इस टाइप का गाना कभी भी लाइक इंटायर कृष्णा के करियर में सुनने को मिलेगा। बहुत ही डिफरेंट ट्रैक है, कृष्णा बहुत इमोशनल बातें कर रहे हैं इसमें। और एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की, और मैंने ये बात आई थिंक 2-3 बार बोली भी है, कि जो भी आर्टिस्ट होता है, जो भी रैपर होता है, वो कैमरा में जैसा दिखता है या फिर इंस्टाग्राम पे जैसा दिखता है या फिर स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पे जैसा दिखता है या फिर हम जब उन्हें कभी रोड पे देख लेते हैं या फिर स्पॉट कर लेते हैं तो जैसा दिखता है, एग्जैक्टली उसके लाइफ में या फिर उसके अंदर में भी वही सब चीज़ें नहीं चल रही होती। बहुत बार बड़े आर्टिस्ट को, रैपर को चीज़ें फेक करनी पड़ती है, फेस में स्माइल डालनी पड़ती है, पर अंदर उनके साथ बहुत कुछ चल रहा होता है जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है। और आइडिया तब होता है हमें जब वो अपने गाने बनाते हैं या फिर जब वो अपने दिल की बातें अपने आर्ट के थ्रू हमें बताते हैं। सेम गोज थ्रू दिस ट्रैक, और इसके बाद भी लिस्ट में एक दो ट्रैक आने वाले हैं उसमें भी रैपर्स या फिर सिंगर्स ने सेम काम किया है। सो दिस ट्रैक इज लाइक वेरी गुड ट्रैक और बहुत इमोशनल ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है। सो डेफिनेटली अगर चेक नहीं किया है डू चेक इट आउट, प्लेलिस्ट में ऐड करो, प्ले करो, ठीक है। Okay, let's check the next track, and this is by a legend, none other than Sidhu Moosewala, और इस गाने का नाम है Everybody Hurts. आसे पासे में लेने पर फील अलोन करा। तो ये जो ट्रैक है अभी सिद्धू मूसेवाला का रिसेंट ईपी ड्रॉप हुआ था जिसका नाम था नो नेम, उसमें हमें सुनने को मिला था। और अभी जैसे मैंने इसके पहले ओजी के बारे में बात किया था जो कृष्णा का ट्रैक था, सेम उसी टाइप की चीज़ें हमें लाइक उससे भी ज़्यादा डार्क और उससे भी ज़्यादा इमोशनल मैं बोल सकता हूँ चीज़ें हमें इस ट्रैक में सिद्धू मूसेवाला के साइड से सुनने को मिली थी। और लाइक जब भी हम सिद्धू मूसेवाला को देखते हैं तो उन्हें देख के कभी नहीं लगता है कि उनके लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही होगी, और वो अपने गाने में सुसाइडल थॉट्स के बारे में बात करेंगे, अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो वो इस ट्रैक में करते हैं। सो जब मैंने ये ट्रैक सुना था ना आई वॉज लिटरली शॉक्ड। और अगर तुमने चेक नहीं किया एक बार जाके ये ट्रैक चेक करना, ठीक है। और अभी तो सिचुएशन और बुरी हो गई है, एंड डेफिनेटली अगर तुम दिल से सिद्धू मूसेवाला के लिए कुछ फील करते हो या फिर अगर तुम उनको दिल से मानते हो, फॉर श्योर यू विल डेफिनेटली क्राई आफ्टर लिसनिंग दिस ट्रैक। और मुझे याद है मैं भी थोड़े मतलब आज ही सुन रहा था, कल भी मैंने ये ट्रैक सुना था, एंड ट्रैक इज रियली गुड। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, यू शुड गो एंड चेक इट आउट योरसेल्फ, ठीक है। सो डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक, और इस गाने का नाम है गुमान बाय यंग स्टनर। माफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी, आप बोले थी मेरा नाम नहीं। तो जब भी DHH में इमोशनल रैप या फिर सैड रैप की बातें होगी और ये ट्रैक उस लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वेरी गुड ट्रैक, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें दोनों की, लाइक तलहा अंजुम, तलहा यूनिस, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रैक है, मैंने कितनी बार रिपीट पे सुन रखा है। सो डेफिनेटली अगर तुम लोगों ने चेक नहीं किया है चेक इट आउट, ऐसे चेक कर लिया होगा, एंड यू शुड ऐड दिस इन योर प्लेलिस्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक, और ये ट्रैक है, दिस इज अगेन अ वेरी रीसेंट ट्रैक, अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है। इस गाने का नाम है मैना बाय सीधे मौत। मैना तू का दे सीधे मौत अब न्यू स्कूल हिप हॉप वेव की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्होंने अपने रीसेंट एल्बम में बहुत सारी न्यू स्कूल ट्रैक्स बनाए हैं, उसमें से एक ट्रैक ये भी है। और अगर हम इस ट्रैक की बात करें बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, लाइक दिस इज फॉर मी टॉप, अगर टॉप 3 ट्रैक मुझे पिक करना हो उसमें से ये एक ट्रैक फॉर श्योर होगा। इस ट्रैक का जो हुक है उसे सुनने से ऐसा लगता है कि किसी बॉलीवुड कंपोजर या फिर बहुत बड़े या फिर प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर ने इसका हुक बनाया है। बहुत प्यारा हुक है, गाने की लिरिक्स बहुत प्यारी है, काम का वर्स मुझे बहुत सही लगा, ऑनकोर का वर्स भी बहुत अच्छा है, बीट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। सो अगर तुम लोगों ने चेक नहीं किया जाके चेक करना, दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम देयर एल्बम। सो डेफिनेटली चेक इट आउट, और प्लेलिस्ट में जरूर से ऐड कर लेना।
Okay, it's time to check the next track, and this is by Raftaar. Gaane ka naam hai Besab. Kal raat se aaj raat tak 100 baar dekha last scene bana last scene jab saath thi ab 8 din se baat. So ye jo gaana hai ye thoda purana gaana hai but ऐसा ट्रैक है जिसे मैं बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ और जब भी मैं जब मेरा मूड होता है इस टाइप के गाने सुनने का फोर्स योर ये ट्रैक मेरे दिमाग में आता ही आता है और मैं इसे पक्का प्ले करता हूँ. सो डेफिनेटली अगर तुम लोगों ने ये ट्रैक चेक नहीं किया ऐसे चेक कर ही लिया होगा अभी तक और अगर तुम्हारे प्ले लिस्ट में नहीं है प्ले लिस्ट में ऐड करो और रिसेंटली अगर तुम लोगों ने सुना नहीं है डू चेक इट आउट. बहुत सही ट्रैक है. Okay, it's time to check the next track. और इस गाने का नाम है इस आर्टिस्ट का नाम है डीनो जेम्स. और अगर हम डीनो जेम्स की बात करें तो इनके सारे गाने इस लिस्ट में आ सकते थे पर मैंने एक गाना चुना है जो मेरा फेवरेट है जिसको मैंने बहुत ज्यादा सुना है. इस गाने का नाम है लूजर. ये दुनिया की एक सबसे बड़े लूजर की है दास्तान. उसको था वरदान फटी रहेगी हमेशा रहेगा वो परेशान स्ट्रगल. सो मुझे याद है मैं कॉलेज में था और मैंने ये गाना मैं लिटरली ये गाना हर दिन मतलब हर दिन नहीं हर रात सुना करता था. बहुत बढ़िया ट्रैक था और मतलब मैं मुझे फील होती थी कि डीनो जेम्स की स्ट्रगल क्या रही है और डीनो जेम्स ने कितना स्ट्रगल किया होगा और अब मैं देखता था कि भाई स्ट्रगल करने के बाद आज वो सक्सेसफुल है तो बहुत अच्छा लगता था. सो बहुत बढ़िया ट्रैक है और सैड बहुत ज़्यादा सैड गाना है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है कोई अगर पहली बार सुन रहा हो अगर रिलेट कर पा रहा हो तो. बाकी अगर हम डीनो जेम्स की बात करें तो डीनो जेम्स इमोशनल ट्रैक के सैड ट्रैक के सैड रैप ट्रैक के किंग है. उनके जितने गाने हैं जैसे मैंने बोला वो सारे इस लिस्ट में आ सकते हैं और अभी जो उनका रिसेंट एल्बम आया उसमें से भी कुछ ट्रैक मुझे बहुत अच्छे लगे जो सैड रैप सॉन्ग थे बहुत अच्छे लगे. सो डेफिनेटली डीनो जेम्स के मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ ये ट्रैक बाकी और भी बहुत सारे ट्रैक है वो भी चेक करना और अपने प्ले लिस्ट में ऐड कर लेना. Okay, it's time to check the next track. और इस गाने का नाम है Musical Satin और आर्टिस्ट है बेला. उस दिन मेरे दिल में बस नफरत और पागलपन हम बैगे नहीं थे हमको उड़ने की आदत बस. So ये ट्रैक भी मैं बहुत रिसेंटली देखने को मिला था. बेला ने अभी अपना मिक्स टेप ड्रॉप किया है God Made Me the Greatest. उसमें से एक ट्रैक ये है और ये जो ट्रैक है ये उस ईपी का मेरा फेवरेट ट्रैक है जिसे मैंने सबसे ज्यादा बार सुना है. लिरिक्स बहुत अच्छी है हुक बहुत अच्छी है गाने की और सैड वाइब है इमोशनल वाइब भी है गाने में. सो डेफिनेटली अगर तुमने चेक नहीं किया है डू चेक इट आउट और अगर चेक कर लिया प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया प्लेलिस्ट में ऐड करो गाने लूप पे सुनो ठीक है बहुत बढ़िया ट्रैक है. ओके इट्स टाइम टू चेक द नेक्स्ट ट्रैक और इस गाने का नाम है हम बाय रैप डीमन. Are you gonna listen when I talk? मैं शहर से दूर तो वाइब ऑफ मैं खुद से ही पूछूं कि क्या है खौफ मैं खुदा से. सो जब भी रैप डीमन का नाम मेरे दिमाग में आता है मैं डिस ट्रैक के बारे में सोचता हूँ. गॉन्टलेट मेरे दिमाग में आता है ठीक है और मेरे दिमाग में आता है क्रेजी सा फ्लो. पर जब बात इमोशनल ट्रैक की होती है जब बात थोड़े से सैड रैप की होती है तो भी रैप डीमन जो है वो किल करते हैं. दिस ट्रैक इज द एग्जांपल. बहुत बढ़िया ट्रैक है बहुत अच्छी लिरिक्स है इस गाने की और ऐसा ट्रैक है जिसे मैंने बहुत बार सुना है ठीक है. और मे बी ये गाना सबको पसंद नहीं आएगा जो प्रॉपर रैप सुनते हैं उन्हीं को पसंद आएगा ये गाना या फिर आ भी सकता है डिपेंड करता है मुझे नहीं पता ठीक है. बट बहुत बढ़िया ट्रैक है यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट प्ले लिस्ट में ऐड कर सकते हो. Okay, it's time to check the last track of this list. और मतलब ये last track इसका मतलब ये नहीं कि बस इतने ही अच्छे गाने हैं sad emotional DHH में. बहुत सारे और भी track है पर वीडियो का जो लेंथ है वो लिमिटेड है तो मैं और ऐड नहीं कर रहा हूँ पर जब मैं पार्ट टू बनाऊंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा. सो द लास्ट ट्रैक इज नो लॉस बाय किंग. मैं लेंदा लेंदा आशिका दे नाड़ पंगा ते थो ज्यादा दुश्मना दा साथ चंगा. अगेन बहुत बढ़िया ट्रैक किंग का वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक मेरे हिसाब से. मगर मैं मेरे हिसाब से तुम पूछोगे कि मेरा किंग का फेवरेट ट्रैक कौन सा है फोर्स और ये ट्रैक उस लिस्ट में आएगा. और मुझे याद है जब मैं 2000 जब ये ट्रैक कब आया था 2019 में आया था 2020 में आया था आई थिंक जब भी आया था तो मैं उस समय चेन्नई में जॉब किया करता था तो मॉर्निंग शिफ्ट होता था मैं मॉर्निंग शिफ्ट में बस से नाइट शिफ्ट होता था मैं मॉर्निंग शिफ्ट में आते वक्त ये गाना हर दिन प्ले करता था सुबह में आई थिंक 6 बजे के आसपास. तो मैंने बहुत सुना है ये गाना बहुत सही ट्रैक है. सो अगर तुम लोगों ने चेक नहीं किया है टू चेक इट आउट चेक कर लिया है प्ले लिस्ट में ऐड करो मस्त बजाओ. ओके सो दिस वॉज इट दिस वॉज द वीडियो. अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तुम एंटरटेन हुए डू लेट मी नो इन द कमेंट. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. और अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो इंस्टाग्राम है वो डिलीट हो गया है ठीक है तो अभी तक कोई उसमें अपडेट नहीं है अभी वो डिलीटेड है तो मैंने अपना सेकंड इंस्टाग्राम चैनल बना दिया है तो तुम वहां पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहां पे तुम मुझे फॉलो भी कर सकते हो तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो जितने भी लोग मुझे पहले मेरे पहले अकाउंट में फॉलो करते थे वहां पे जाके सेकंड अकाउंट में जाके फॉलो कर लो ठीक है सपोर्ट होगा
करूँगा तुम्हारे भाई को। और अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो उसमें मैं फनी कॉन्टेंट बनाता हूँ जो अभी तो मैं नहीं बना सकता, लाइक थोड़ा टाइम लगेगा उसमें कॉन्टेंट आने में क्योंकि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। पर हाँ, तुम सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जल्दी से उसमें हम कुछ कॉन्टेंट डालेंगे। और उसके अलावा अगर तुम मेरा शॉर्ट्स चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सो दिस वॉज इट। और हाँ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।